सोचा था और न जिसके दरवाजे आए लड़की थी वो अपने को जमींदार नहीं समझता था। लोग घंटों बैठे रहते थे और आराम चर्चा भी होती थी और किसी भी जात धर्म के व्यक्ति के यहाँ शादी होती थी तो बुजुर्ग कहते थे लड़के से नाती से कि फला के घर लड़की की शादी है, काम काज दिखवा लेना, कोई बात न बिगड़ जाए तो गांव की बदनामी हो जाए। आज वही पूरा खेला गया है। दूसरा धर्म छोड़ो, हिंदू धर्म छोड़ो, दूसरी जात छोड़ो, उसी जात का छोड़ो, सगे भाई और भक्ति में कोशिश होती है कि बारात दरवाजे में चढ़े, लात मुक्का हो जाए, लाठी डंडा हो जाए, बिना भावों को बारात वापस चली जाए तो न तो गांव के परिवार की बदनामी होगी, न किसी धर्म की बदनामी होगी, न बिरादरी की बदनामी होगी, न खानदान की बदनामी होगी। अब जो खेल बीतिया है खाली वो खेल बदनामी हो गए, इतनी हम तरक्की कर चुके हैं। तो इसलिए निश्चित तौर पर आज आदरणीय हमारे बड़े भाई मोहनचंद पाल जी ने अपने माता पिता के तिथि पर ये कार्यक्रम करके इन विभूतियों को आगे सामने लाने का जो प्रयास किया है, जिससे संवाद किया जा सके, जिससे लोगों में एक अच्छा मैसेज जा सके, क्योंकि इस देश के पहले विद्वान विश्व के पांचवें विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, क्या कहा था, उस समय कहा था जब सार्वजनिक तालाब में कुत्ता बिल्ली जो पानी पी सकता था लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जैसे आदमी को महातालाब में घुसने के लिए आंदोलन करना पड़ा। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके फिर उन्हें संविधान बनाने का मौका मिला, उन्होंने एक वोट का अधिकार देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का, और जिनमें हिम्मत होगी, हौसला होगा, चाहत होगी, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कुर्सी तक पहुंच भी जाएंगे, इतना बड़ा अधिकार किया। तब उन्होंने कहा हमने वोट को तो अधिकार दे दिया है लेकिन इस समाज में 6,744 जातियों बटा समाज है, जाति उपजाति में बटा समाज है, अगर इसमें भाईचारा न बना तो वोट तो हमने दे दिए, जिनके वोट होने चाहिए ज्यादा उनको प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन कल उनके रहे जिनके वोट छोड़े हैं हमें गुमराह करके बनने का काम वो कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, ये दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सर्वहारा वर्ग के लोग आपस में खान पान न करें कोई बात नहीं, आपस में रोटी बेटी का संबंध न करें कोई बात नहीं, जैसे आज आदरणीय मूलचंद जी ने अपने माता पिता के इस पूर्ण काल में आप लोगों को निमंत्रण देकर के सूचना देकर यहाँ बैठाने का काम किया है, ऐसे बाबा साहब ने कहा बैठना शुरू करें। देश का पहला विद्वान, विश्व का पांचवा विद्वान, कोई बैठने जैसी बात छोटी मोटी बात नहीं कर रहे थे, मुझे पता था जब बैठेंगे तो बातचीत होगी, बात लंबी चलेगी तो चाय पानी भी होगा, और अगर बात ज्यादा देर चलेगी तो 3 घंटे यहाँ कार्यक्रम चलेगा चला है, तो हमें लगता है खिचड़ी का काम भी, खिचड़ी बनवाने का, भोजन का भी इंतजाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया है, और अगर बैठे लगातार चलती रहे तो हमारे रोटी रोटी के संबंध भी हो जाएंगे, तो हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे, जिस समय सर्वाइवल के लिए पेट पालने के लिए कोई जरिया नहीं था, केवल पेट पालना ही बहुत बड़ी चीज थी, यही कौन खेला गाँव होगा। मैं किसी जमीन नाम को छोड़कर ये कहना चाहता हूँ, जिसके घर साल भर का गल्ला खाने को होता था तो गाँव को नहीं आदमी समझा जाता, जो पुराना नया अन्न आने से पहले पुराना अन्न खाता था उसे नहीं सामने समझा जाता था, तो उस समय केवल सर्वाइवल के लिए भोजन की आवश्यकता थी, तब उस भोजन प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करने वाले लोग थे वो जो काम करते थे, जो जो आदमी जो काम करता था उसी काम से जाना जाता था,
काम ही कौन थी जबकि जात जैसी कोई चीज है नहीं। जात जानवरों में होती है, जात पक्षियों में होती है, जात पेड़ पौधों में होती है, मनुष्य में कोई जाति क्यों नहीं जाती। समूची धरती में जितने व्यक्ति है वो समूची धरती में एक है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम का कोई खिलाड़ी भारत में खेलते हुए घायल हो जाए और उसे खून की जरूरत पड़े तो पूछेगा कि हिंदुस्तानी खून है, ये हिंदू का खून है, मुसलमान का खून है, दलित का खून है, पिछड़े का खून है। केवल वो कहेगा इस ग्रुप का खून दे दो ताकि खिलाड़ी की जान। तुम्हें भी जब कोई बीमार होता है अपने शरीर में, जब डॉक्टर खून का ग्रुप लिख कर देता है तो तुम लोग नहीं कहते भैया ये इसका खून मिल जाए, माता पिता भी मिलता नहीं, खानदान में मिलता नहीं, तो केवल खून ढूंढते हो। तब तुम पूछते हो भैया ऐसा कर दे दलित का खून दे दो, ऐसा नहीं कर दे मुसलमान का खून दे दो। उस समय तो केवल खून मांगते हो कि इसका खून मिल जाए और हमारे आदमी की जान बच जाए। इसका मतलब है जब खून एक दूसरे को पहचान सकता है, उसकी जान बच सकती है, तो इंसान में कोई जाति जात जैसी कोई चीज है नहीं। लेकिन जाति है कि जाति नहीं, जात जैसी कोई चीज। अब जब हमें बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और समूची नारी जात समूचे बहुजन समाज को पढ़ने का मौका मिला, तो आज कुआ खेड़ा में भी आईएएस है कि नहीं भाई? आईएएस यहाँ मिल जाएंगे, पीसीएस यहाँ मिल जाएंगे, डॉक्टर यहाँ मिल जाएंगे, इंजीनियर यहाँ मिल जाएंगे, मिलते हैं कि नहीं मिलते, मिलिट्री में यहाँ मिल जाएंगे। जब हम पढ़ने का हमें मौका मिला तो हमें आगे पढ़ने का मौका मिला तो आप जानते हो क्या है स्थिति। अब जब कोई आईएएस हो रहा है तो आईएएस आईएएस से शादी कर रहा है, फिर किसी जात को ढूंढने का काम कहेगा भैया जात को ढूंढने लड़की नहीं मिल रही, कह रही है भैया फिर आईएएस चाहे जितने आदमी की हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बियाह वही से करी कि नहीं करी, पीछे पीछे से करा, डॉक्टर डॉक्टर से करा, इंजीनियर इंजीनियर से करा, जिनके लड़का बंगलोर में पढ़े रहे हो नौकरी कर रहे हो इंजीनियर बना दिए हो तो वही बंगलोर को ढूंढने से भी किया। माँ बाप लड़का लड़की रखा शुरू कर दो वो उधर कर लेता है भाई। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अब जाति नहीं है, अब क्लास है। किसान एक क्लास है, डॉक्टर एक क्लास है, आईएएस एक क्लास है, पीसीएस एक क्लास क्लास है, इंजीनियर एक क्लास है। तो अब क्लास से शादी कर रहा है, क्लास से शादी, अब जाति से शादी नहीं कर रहा, क्लास से कर रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था भाग वाले होगी, भाग वाले होंगे, भाग वाले होंगे, पानी होगा, खाना पानी होगा और बैठ के चलते रहे, समाज आगे बढ़ता रहा तो रोटी और बेटी के संबंध होना शुरू हो जाए। जिन दिन इतना भाईचारा बन जाएगा उस दिन प्रधान से लेके प्रधानमंत्री उनका होगा जो तुम्हारे दर्द को समझता है, तुम्हारे दुख को समझता है, तुम्हारी भावना को समझने का काम करता है। निश्चित तौर पर वही प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री होगा। हम लोगों वालों पर कहते हैं बार राम का नाम चलत राम को ये अभी 22 तारीख का है क्या भाई? राम 22 तारीख का आएगा। राम तो हजारों वर्ष से थे, राम लोग में है, राम काका में है, अगर खाली अयोध्या में है तो सब लोग राम है नहीं, अगर है तो सब लोग हैं भाई। जो सब जगह है वही तो राम है, जो सब में रमा है वही राम है। लेकिन राम की आड़ में राजनीति, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ हमारे राम को मानने वाले मिल जाएंगे, उसको मानने वाले मिल जाएंगे, सिख को मानने वाले मिल जाएंगे, हनुमान जी को मानने वाले मिल जाएंगे, गांधी सुभाष अम्बेडकर भगत सिंह लोहिया को मानने वाले मिल जाएंगे, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को मानने वाले मिल जाएंगे, समूची धरती में उनको मानने वाले मिलेंगे। लेकिन उनकी मानने वाले उंगलियों में भी नहीं मिलेंगे। ये उनको मानना उनकी मानना क्या है? तुम कहोगे वो है वो ये है, वो बड़ा अंतर नहीं है, उसमें जो
मानकर है। जैसे हमारे पिता को मानते हैं, पिता की एक